घर के इस कोने में भूलकर भी ना रखे जूते चप्पल, होती है पैसों की हानि। हिंदू धर्म में वास्तु का बड़ा महत्व होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने लिए घर बनाता है या खरीदता है तो वास्तु का विशेष रूप से ध्यान रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर का वास्तु अच्छा होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी अधिक रहती है और घर में तरक्की ही तरक्की होती है। इसके विपरीत जिस घर का वास्तु खराब होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी अधिक होने से परेशानियाँ और दुख ज्यादा रहता है। बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि वास्तु के नियम सिर्फ घर के कमरों की सही दिशा तक ही निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि आप अपने घर के अंदर कुछ विशेष सामानों को कहाँ रखते हैं इसका भी घर के वास्तु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको घर में जूते चप्पल रखने की सही और गलत दिशाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। हर घर में कई जूते चप्पल होते हैं जिसे घर में प्रवेश करने के पहले हम कहीं भी उतार देते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो इन जूते चप्पलों को हमेशा घर में एक सही स्थान पर रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पैदा होती हैं, जो आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इनका सही दिशा में रखना जरूरी हो जाता है, वरना आपको कंगाली या धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर के इस कोने में ना रखे जूते चप्पल वास्तु की माने तो घर की पूर्व या उत्तर दिशा में जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ऐसे में जब आप धूल मिट्टी वाले जूते चप्पल इस दिशा में रखते हैं तो ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में बदल देते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जिस घर में नेगेटिव एनर्जी अधिक होती है वहाँ लक्ष्मी जी आना पसंद नहीं करती है। इसलिए जूते चप्पल को हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में रखने से बचे, वरना से आपके घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देंगे। इस दिशा में जूते चप्पल रखना है सही। चलिए अब जानते हैं कि घर के किस कोने या दिशा में जूते चप्पल रखी जा सकती हैं। वास्तु की माने तो घर की पश्चिम दिशा जूते चप्पल रखने के लिए बेस्ट होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण दिशा आती है। वास्तु के अनुसार इन दोनों दिशाओं में पहले से ही कुछ मात्रा में नेगेटिव एनर्जी रहती है। ऐसे में जब आप अपने जूते चप्पल इस दिशा में रखते हैं तो इनसे निकलने वाली नेगेटिव घर में पहले से मौजूद नेगेटिव एनर्जी से टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं। इस तरह घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही शेष रहती हैं। यह पॉजिटिव एनर्जी घर की उन्नति में सहायक होती हैं। नोट: आप जब भी घर में जूते चप्पल रखें तो कोशिश करें कि उसमें लगी धूल मिट्टी को घर के बाहर ही झटक दे। यदि आपके पास कोई ऐसे जूते चप्पल हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है तो वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देवे।